शासन ने कोविड केयर सेंटर बंद करने का निर्णय लिया है, जबकि रीवा के 141 पेशेंट अभी भी विभिन्न अस्पतालों में या विभिन्न जगहों पर अपना इलाज करा रहे हैं। यही जानने समझने के लिए हम इस समय मौजूद हैं CMHO रीवा डॉक्टर गुप्ता के पास। हम उन्हीं से जानेंगे 141 पेशेंट हैं तो कोविड केयर सेंटर क्यों बंद किए जा रहे हैं। पास टोटल 141 पेशेंट थे, परंतु उसमें से 115 पेशेंट जो है होम आइसोलेशन में है, बाकी बचे 26 पेशेंट वो एडमिट हैं। हमारे पास बेडों की कमी अभी भी नहीं है, अभी भी हमारे पास विदाउट ऑक्सीजन में 50 बेड वैकेंट पड़े हुए हैं। विथ ऑक्सीजन में हमारे पास 169 बेड वैकेंट पड़े हुए हैं, 38 बेड हमारे वेंटिलेटर के साथ वैकेंट पड़े हुए हैं, तो हमारे पास बेड की कमी नहीं है। और क्योंकि अब कोविड केयर सेंटर में लोग बहुत कम एडमिट हो रहे थे, जैसे प्रेजेंट समय में बंद होने के एक दिन पहले सिर्फ 3 ही पेशेंट हमारे पास थे, उसके बाद 31 तारीख को वो भी अपने होम चले गए डिस्चार्ज होके, पेशेंट ही एडमिट नहीं थे, इसलिए कोई मतलब नहीं था उसका। मतलब नहीं था। हमारे पास विभिन्न अस्पतालों में बहुत सारी जगह उपलब्ध है, हालांकि ऑक्सीजन के साथ विदाउट ऑक्सीजन के साथ तमाम तरीके की वहाँ पर मेरे पास सुविधाएं हैं, इसलिए हमने कोविड केयर सेंटर बंद किया। जरूरत पड़ने पर उसको एक बार फिर से चालू किया जा सकता है, यह कहना था डॉक्टर गुप्ता। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान ज़ीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।